करेंगे थोड़ा ऑयल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑयल कैसे कंस्ट्रक्शन होता है मेनली उसी के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप ऑफ ऑयल, किस तरह का ऑयल होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस होगा। मेन जो हाइड्रोलॉजिकल जो ग्राउंड है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकल सर पार्ट है, वो हम ऑयल हाइड्रोलिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑयल सर हाइड्रोलिक्स, हाँ बोलो, सर ये वाला चैप्टर हमारी बुक में है सर, कौन सी वाला? जो आपने बुक बोली थी। इसके घर, यस सर, हाँ इसके घर में सब कुछ है। ओके सर। इसके घर में सब कुछ है। और ऑयल हाइड्रोलिक्स के बारे में किसी का कुछ डाउट हो तो कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेनली ये थियोरिटिकल पार्ट है, ये जो आज का जो सेशन है वो मेनली थियोरिटिकल पार्ट है, जैसे कि ऑयल कितनी टाइप का ऑयल होता है, ऑयल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, ये मेनली डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा चुका, हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अगर किसी का कोई डाउट हो तो किसी टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हो। हाँ ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं ऑयल्स, ठीक है। तो व्हाट इज ऑयल्स? ऑयल्स ऑयल इज नथिंग बट ए बोर होल दैट इज एक्सकेवेटेड थ्रू द ग्राउंड सरफेस टू विथड्रॉ द वाटर फॉर विथड्रॉ ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, फ्रॉम द अंडरग्राउंड टू ग्राउंड सरफेस, ठीक। ग्राउंड वाटर को सरफेस वाटर को लाने के लिए जो भी अरेंजमेंट है उसी को हम ऑयल कहते हैं। तो जनरली सर्कुलर टाइप का देखने में आता है, ठीक है, तो ट्यूब जो, तो इसी टाइप का देखने में ऑयल आता है। दो टाइप का ऑयल होता है, एक होता है ओपन ऑयल, ठीक है, जो ओपन रहता है, और एक होता है ट्यूब ऑयल, ठीक है। तो दो तरीके का अरेंजमेंट से हम ग्राउंड वाटर को सरफेस वाटर में लाते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऑयल। तो ये ठीक है, अब देखते हैं लोकेशन ऑफ ऑयल। हम तो ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑयल कौन सी लोकेशन में कंस्ट्रक्ट करेंगे? लोकेशन पहले, ऑयल कंस्ट्रक्ट करने के पहले पहले स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ऑयल साइट, ठीक है। लोकेशन हम कहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो लोकेशन सिलेक्शन करने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट हम ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पहले है, हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे पहले जो जहाँ पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। तो हम इसी जगह पे लोकेशन सेलेक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है ही नहीं। ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम वहाँ पर ऑयल कंस्ट्रक्ट करने क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसी जगह पे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद और एक बात है, जो लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो है, देखेंगे हम वो मैक्सिमम कैल्सरेबल कमांडेड एरिया को इरिगेट कर पाएगा। जितना ज़्यादा मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर पाएगा उसी हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो एक एग्रीकल्चरल फील्ड के बिल्कुल सेंटर में हम अगर ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो अराउंड द ऑयल वो बहुत सारी एरिया को कवर कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा उतना ही वो इफिशियंट है, ये इकोनॉमिकली इफिशियंट होगा। तो इसीलिए हम ऑयल कंस्ट्रक्ट करने से पहले देखेंगे जे वो जहाँ पर जिस लोकेशन में हम सिलेक्ट करेंगे उस लोकेशन से वो अपने आसपास में सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरीगेट कर पाएगा, ठीक है। और एक बात है, जो हम ऑयल साइट सिलेक्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अपर सर्फेस में, ठीक है। मान लो कोई लोअर 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 सर्फेस में नहीं सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अपर सर्फेस में सिलेक्ट करने से फायदा यह है कि वाटर बाय ग्रेविटी फ्लो होता है, क्योंकि ट्यूब ऑयल से वाटर तो फील्ड में भेजना होगा, एग्रीकल्चरल लैंड में भेजना होगा, ठीक है। तो अगर ऑयल से वाटर बाय ग्रेविटी अगर हम फील्ड में भेजेंगे तो इकोनॉमिकली बहुत इकोनॉमिक होगा, ठीक है, बाय ग्रेविटी फ्लो हो जाएगा। इसलिए हम जहाँ पर ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो थोड़ा ऊंचाई जगह होना चाहिए, ठीक है, तो लोअर लोअर एरिया नहीं होना चाहिए। लोअर एरिया होने में दिक्कत यह है कि लोअर एरिया से तुम पंपिंग करके पानी को तुम एग्रीकल्चरल लैंड में जमीन में भेज सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा कॉस्ट आ जाता है क्योंकि पंपिंग के तो खर्चा आता है। इसीलिए हम सिलेक्ट देखेंगे जो जहाँ पे हम ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वह थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए, जैसे कि वो वाटर
बाई ग्रेविटी फ्लो होगा, जमीन में चला जाएगा, इरीगेशन इरीगेशन एग्रीकल्चरल लैंड में चला जाएगा, ये फॉर इरीगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बहुत सारी फैक्टर है। और एक बात है, हम ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी देखेंगे। ठीक है, लोकेशन ग्राउंड वाटर ऐसे लोकेशन में हम ऑयल को कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे जहाँ पर ग्राउंड वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी वाटर नहीं है तो वो इरीगेशन के लिए यूज नहीं होगा, तो बेकार हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? प्रिंस प्रिंस राज बोलो। आपने आपको अनम्यूट करके बोलो, क्वेश्चन क्या है? हेलो सर। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वेल की हाइट होगी ग्राउंड लेवल से, तो सर कितनी लेते हैं ताकि जो पॉल्यूटेड वाटर है या कंटामिनेटेड वाटर है वो वेल पे इफेक्ट ना करे? ऐसा कोई तो डेफिनेट हाइट नहीं है, थोड़ा अपने हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे करके कोई आसपास का जो मान लो रेन के टाइम में जब वाटर से रेन सरफेस रेन ऑफ होगा तो वाटर आ जाता है, इसलिए जनरली 1 मीटर के आसपास देता है। ठीक है, 1 मीटर के आसपास ऊंचाई होना चाहिए। तो सर फिर इसका एक कुछ प्रिकॉशन होना चाहिए ना सर, जैसे कि हम जैसे वेल बना रहे हैं तो सर जैसे वाटर जैसे फ्लड हो गया, फ्लड आ गया, फ्लड तो सर उससे वेल का जो वाटर है जो प्योर वाटर वो सर कंटेमिनेटेड हो जाएगा फिर? हाँ हाँ हाँ, वो तो अगर फ्लड आएगा तो वेल को तुम प्रिकॉशन कर सकते हो, जैसे कवर कर देते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें जानकारी है तो थोड़ा फ्लड आ जाएगा तो वेल को तुम कवर कर सकते हो। अदरवाइज तुम फ्लड फ्लड कितना हाइट में फ्लड आएगा, मान लो फ्लड जब आएगा तो बहुत वाटर हाइट तो बहुत हो जाएगा ना, इतना हाइट तो तुम दे नहीं सकते ना, इसीलिए वो स्पेशल कंसीडरेशन है। जनरली हम 1 मीटर के आसपास हाइट रखते हैं, जैसे करके बारिश के टाइम में जो सरफेस रनऑफ होता है उस वाटर ऑयल के अंदर ना आए। ठीक है, ऑयल का वाटर पोल्यूट ना करे। ठीक है, ये जनरली होता है, वो डिपेंड करेगा आवर जिस एरिया में बारिश होता है। जनरली ओके। तो और एक बात है, ये और एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कहाँ का रेनफॉल ज्यादा बारिश हो रहा है, कहाँ कम बारिश हो रहा है। ठीक है, उसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जिस एरिया में ज्यादा बारिश होगा तो उसमें थोड़ा हाइट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सरफेस रनऑफ भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के ऊपर डिपेंड करके होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो इसी को सब कुछ बात सारे सारा जो फैक्टर है वो ध्यान में रखकर उसके बाद ही हम वेल को मास्टर करो। और एक बात है स्पेसिंग। ठीक है, दो वेल तुम क्लोज स्पेसिंग में नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि अगर क्लोज स्पेसिंग में एक के साथ एक क्लोज स्पेसिंग में बैठा दोगे ना तो ज्यादा वाटर इल कम हो जाएगा, डिस्चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वेल का थोड़ा 75 to 100 meter स्पेसिंग में ऑयल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि एक ऑयल से तो पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट नहीं पाएगा, बहुत सारा ऑयल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जब दो ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्पेसिंग में करेंगे, क्लोज स्पेसिंग में नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस में करेंगे। तो ज्यादा डिस्टेंस में करने से क्या होगा, जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में उस दिन बता रहा था, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवरलैप हो जाएगा ना तो उस ऑयल का डिस्चार्ज घटेगा। तो इसीलिए हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवरलैप ना हो इसीलिए हम थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा स्पेसिंग देंगे। ठीक, और एक बात है, हम किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बिल्कुल बगल में हम ऑयल को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो कोई डैम के पास को ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे, मान लो कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हॉस्पिटल के पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उसी के पास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑयल का काम क्या करता है, ग्राउंड वाटर को ऊपर लाते हैं तो ग्राउंड वाटर थोड़ा ऑयल के वजह से ग्राउंड वाटर थोड़ा क्या हो जाएगा, कौन से हो जाएगा, कौन ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो उसी के थोड़ा स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, और सडन वाटर टेबल सडनली डाउन हो जाएगा ना तो सीयर स्ट्रेन के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सॉइल का तो तुम लोग सीयर स्ट्रेन पढ़ चुके हो, सीयर स्ट्रेन के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम जब भी ऑयल साइट लोकेशन सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से थोड़ा डिस्टेंस में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हाँ बोलो।
कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो ये है, हम साइट सिलेक्शन करेंगे, ये सारा पॉइंट ध्यान में रखकर उसके बाद हम ओएल साइट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं ओएल, ओएल का जो डिस्चार्ज है, ओएल का जो यील्ड है, और ओएल का जो कमांडेड एरिया है, क्योंकि कमांडेड एरिया तो डिपेंड करेगा मेनली यील्ड यील्ड ऑफ ओएल को। तो ओएल का जो कमांडेड एरिया मतलब एक ओएल से कितना एरिया को इरिगेट कर पाएगा, ठीक है। तो वो कमांडेड एरिया कितना एरिया को, मैक्सिमम कितना एरिया को इरिगेट कर पाएगा, वो डिपेंड करेगा क्या ऊपर, वो जो एरिया है उसका सॉइल, सॉइल कंडीशन क्या है, सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद वो जो क्रॉप्स उसी जगह पे जो जो भी क्रॉप्स आपको लगाते हैं, तो क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद यील्ड ऑफ ऑयल, डिस्चार्ज कितना होगा, ज्यादा डिस्चार्ज होगा तो ज्यादा कमांडेड एरिया ज्यादा होगा, कम डिस्चार्ज होगा तो कमांडेड एरिया कम होगा, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं सॉइल अगर सैंडी सॉइल होगा तो कमांडेड एरिया ज्यादा होगा या कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू क्ले सॉइल? कम होगा सर, वाटर रिक्वायरमेंट क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगी सैंडी सॉइल में। राइट, सैंडी सॉइल में कमांडेड एरिया कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू क्ले सॉइल। बोल भी क्या रही थी कि नहीं सुनो, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारा पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कमांड एरिया, कितना एरिया को कमांडेड एरिया ऑफ ए वेल, ठीक है। तो वेल का कमांडेड एरिया ये सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरली हम वेल का कमांडेड एरिया जनरली होता है 2 to 10 हेक्टर के आसपास होता है, ठीक है, जो हमारा ओपन वेल है उसका। और ट्यूब वेल का जनरली 1.75 to 22.5 हेक्टर इसी के आसपास जनरली होता है कमांडेड एरिया, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो मैंने ऑलरेडी इरिगेशन के जब पढ़ा रहा था, इरिगेशन को क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी बोल दिया, यही पर देख लेना बस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल। तो जनरली दो टाइप्स का ऑयल होता है, एक होता है ओपन ऑयल, एक होता है ट्यूब ऑयल, ठीक है। तो ओपन ऑयल का जनरली क्या होता है, ओपन ऑयल तो मैंने ओपन होता है, ठीक है, और उसका डायमीटर जनरली ज्यादा होता है, और ओपन ऑयल का डेप्थ इतना ज्यादा नहीं होता, डेप्थ जनरली लेस देन 20 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट होता है मेसनरी वॉल, ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, ठीक है, और प्रीकास्ट कॉन्क्रीट रिंग बाजार में जो अवेलेबल है मेनली वही यूज होता है, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट रिंग, ठीक है, बहुत सारी रिंग, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट रिंग वो साइड में लेकर जस्ट बैठा देते हैं, उसी करके ऑयल कंस्ट्रक्ट होता है। ये अभी ज्यादा यूज, लेकिन पहले से बहुत पहले ब्रिक का होता था। सर वाटर क्वालिटी ट्यूब वेल का अच्छा होता है या ओपन वेल का? बताओ तुम क्या लगता है, ट्यूब वेल का अच्छा होगा या ओपन वेल का? ट्यूब वेल का होगा सर। ट्यूब वेल, राइट राइट, कि इसका रीजन क्या है, एक दो रीजन बताओ। ओपन ट्यूबवेल का होगा क्योंकि वो डीप जा रहा है, ट्यूबवेल का डेप्थ ज्यादा होता है सर, वो काफी ज्यादा डीप ज्यादा होता है तो मास फ्यूर ज्यादा अच्छा क्वालिटी आता है। और एक बात है, ओपन वेल तो ऊपर का खुला रहता है ना, इसीलिए ऊपर से एटमोस्फियर से थोड़ा बहुत पोल्यूटेंट आ जाता है ना, ठीक है। ट्यूबवेल तो क्लोज रहता है, ट्यूबवेल के बाहर से कोई कॉन्टामिनेशन होने का चांसेस कम रहता है ना। Yes, sir. और डिस्चार्ज भी ओपन वेल पे डिस्चार्ज कम होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज यू तो ओपन वेल डेप्थ ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसका डिस्चार्ज भी कम होता है, क्योंकि वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, जितना ज्यादा डेप्थ होगा जितना उतना ज्यादा वाटर बियरिंग स्ट्रेटा भी बढ़ जाएगा, तो वाटर बियरिंग स्ट्रेटा अगर बढ़ेगा तो यील्ड भी बढ़ेगा, इसलिए ट्यूबवेल का यील्ड ज्यादा है क्योंकि वो डेप्थ ज्यादा है, और ओपन वेल का यील्ड कम है क्योंकि ओपन वेल का डेप्थ कम है। अगर डेप्थ कम है तो क्या होगा, उसका वाटर बियरिंग स्ट्रेटा पे डेप्थ भी कम हो जाएगा, तो इसलिए डिस्चार्ज भी कम होता है। तो ये है हमारा। और एक बात है, ये जो ओपन ऑयल है, ओपन ऑयल का जो एक्चुअली ओपन ऑयल का डिस्चार्ज ज्यादा इसीलिए भी नहीं होता है क्योंकि ओवर क्रिटिकल वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी के ज्यादा रेट में वाटर नहीं निकल सकते, क्योंकि ज्यादा ज्यादा हाई वेलोसिटी में वाटर निकलोगे ना, उसका साथ सैंड सील भी आ जाता है। ओपन ऑयल में ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ओपन ऑयल में तो पाम चला के ज्यादा रेट में अगर पाम चलाओ ना, तो कुछ देर बाद तो सैंडी और थोड़ा सैंड टर्बाइन उड़ा जाता है, सैंड सील मिक्स करके आ जाता है, इसका कारण है वो क्रिटिकल वेलोसिटी रीच कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, क्योंकि हर एक सॉइल का एक क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। उस अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी में हम अगर पानी निकालेंगे तो उस पानी के साथ साथ सॉइल भी विथड्रॉ हो जाता है, क्योंकि जैसे सीपेज टाइप होता है ना, ठीक है, सीपेज में जैसे सीपेज के थ्रू वाटर फ्लो करने के टाइम ये हो जाता है, सॉइल पार्टिकल भी मूव कर जाते हैं, ऐसे करके वो ज्यादा वेलोसिटी में अगर पानी निकालेंगे तो पानी के साथ ही सॉइल भी आ जाता है। तो ये ओपन वेल का एक प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ट्यूबवेल में ऐसा नहीं रहता क्योंकि ट्यूबवेल में स्टेनर देता है ना,
ठीक है। ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन कोई देखा नहीं, किसी ने देखा है कैसे ट्यूबवेल ट्यूबवेल का देखा है सर? हाँ, ट्यूबवेल में बहुत सारी ऊपर के नेट तार का जाली कहते हैं उसे, ठीक है, तो वायर मेश होता है, वायर मेश कहते हैं टेक्निकली, और लोकल लैंग्वेज से जाली कहते हैं, है ना? यस सर। तो बहुत सारे जाल वायर मेश है, वायर मेश से क्लोज कर देता है, इसीलिए कि जो जो भी सॉयल पार्टिकल है वो अटक जाता है, वो ऑयल के अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए ट्यूब ऑयल में तुम ज्यादा रेट में पानी निकाल सकते हो, लेकिन ओपन ऑयल में ऐसा नहीं कर सकते, तो इसीलिए ओपन ऑयल में डिस्चार्ज थोड़ा यील्ड भी डिस्चार्ज कम होता है। तो ओपन ऑयल भी दो टाइप का होता है, शैलो ओपन ऑयल और डीप ओपन ऑयल, ठीक है, तो बता सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है? सर डेप्थ डिफरेंस होता है दोनों का, ये तो बार बार डेप्थ नहीं है, ये डीप और शैलो सर, एक इंपरवियस लेयर होता है और एक परवियस लेयर होता है, उस पे होता है। कौन सी इंपरवियस कौन सी परवियस? शैलो ओपन ऑयल का बताओ क्या सर, मतलब सर इंपरवियस लेयर ऊपर होता है सर, और परवियस नीचे होता है। शैलो ऊपर होगा सर, परवियस ऊपर होगा, इंपरवियस नीचे होगा, तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये तुम समझ लो, पहले बात है जो शैलो ओपन होता है ना वो फास्ट परवियस लेयर से निकलता है, फास्ट परवियस लेयर, ठीक है, ठीक है, और जो डीप ऑयल होता है वो फास्ट इंपरवियस लेयर का नीचे से जो भी पानी है, तो फास्ट इंपरवियस लेयर का नीचे से पानी निकलता है डीप में, तो फास्ट इंपरवियस होता है, सेकंड इंपरवियस होता है, थर्ड इंपरवियस, जो भी हो सकता है आपने जिससे कर सकते हैं, लेकिन जरूर फास्ट इंपरवियस लेयर का नीचे से पानी निकलते हैं, उसे कहते हैं डीप, और शैलो होता है फास्ट परवियस लेयर से, फास्ट परवियस लेयर से अगर पानी निकलेंगे तो उसे शैलो ओपन ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि शैलो शैलो ऑयल का डीप डेप्थ ज्यादा है, ओपन ऑयल का डेप्थ कम है, यह हो सकता है? शैलो शैलो ऑयल का डेप्थ कम है, हाँ सर डेप्थ हो सकता है, वो परवियस लेयर पे डिपेंड करता है, लेयर के हिसाब से, राइट राइट। शैलो कभी कभी क्या होता है, शैलो लेयर तो पहले आएगा, कभी कभी इसी फिगर में देखो ना, इसी फिगर में देखो, ये शैलो ऑयल का डेप्थ ज्यादा है लेकिन डीप ऑयल का डेप्थ कम है, ठीक है, क्योंकि परवियस लेयर तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं रहता ना, वो बहुत सारी कार्वेसर फॉर्म में रहता है, बहुत सारे ग्राउंड सर्फेस तो ऐसा थोड़ा हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन सर्फेस नहीं होता, कार्व सर्फेस होता है ना, ठीक है, बहुत सारी बैंड आता है, ठीक है, तो इसी लेयर में भी देखो ये शैलो, पहले जो ऑयल है शैलो ऑयल वो डेप्थ ज्यादा है, लेकिन वो सेकेंड जो ऑयल है वो डीप ऑयल है लेकिन उसका डेप्थ कम है, ठीक है, तो ये टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, ये डेप्थ के ऊपर, ठीक है, कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिख देता है, थोड़ी सा हम अगर पूछते हैं एग्जाम में शैलो ऑयल और डीप ऑयल का डिफरेंस क्या है, तो डेप्थ के बेसिस में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ओके सर, ठीक है। तो शैलो ऑयल डीप ऑयल क्या है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और शैलो ऑयल में डिस्चार्ज कम होता है, डीप ऑयल में डिस्चार्ज ज्यादा होता है, और डीप ऑयल का वाटर ज्यादा वाटर क्वालिटी अच्छा होता है, क्योंकि वो फास्ट इंपरवियस लेयर से नीचे से आता है, ठीक है। तो ये सर थोड़ा जो डिफरेंस लिखोगे ना शैलो ऑयल और ओपन ऑयल का जो डिफरेंस लिखोगे, तो ये सारा पॉइंट लिखना, ठीक है। और ये डीप ऑयल है वो इंपरवियस लेयर के ऊपर रेस्ट करता है, इसीलिए इसको सपोर्ट देता है, कभी कभी नीचे से सपोर्ट रहता है, और शैलो ओपन ऑयल का कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए कभी कभी क्या शैलो ऑयल कभी कभी क्या होता है वो टूट जाता है, सबसिडेंस हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन ये डीप ऑयल थोड़ा सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर के ऊपर सपोर्ट रहता है, और इसी लेयर को मोटा लेयर कहते हैं, ठीक है, मोटा लेयर। तो ये है शैलो ऑयल ओपन ऑयल डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा ध्यान से एक बार डिफरेंस ले लेना। देखते हैं केवीटी फॉर्मेशन इन ओपन ऑयल, ठीक है, केवीटी फॉर्मेशन, मान लो एक 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 शैलो ओपन ऑयल है,
मान लो ये एक ओपन ऑयल है, ठीक है, ये ओपन ऑयल है, तो इसी से तुम पानी निकाल रहे हो। तो एट द इनिशियल पॉइंट, जब पहले कॉन्स्ट्रक्ट होने से पहले बार जब तुम यहाँ पर पंपिंग कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो, तब क्या होगा, तब यहाँ पे पूरा का पूरा मिट्टी रहेगा, ठीक है, सॉयल पूरा का पूरा रह जाएगा। जब जितना तुम क्या करोगे पंपिंग करोगे ना वाटर, उसके साथ क्या होगा, ये जो वेल का नीचे का जो भी सॉयल है, सील सैंड जो भी सॉयल है, वो क्या होता है पानी के साथ ही निकल आता है। इसीलिए जब वेल कंस्ट्रक्ट करने के तुरंत बाद जब पानी निकलोगे ना पंपिंग करके, तो वो बहुत सारी वाटर के साथ ही सॉयल सील ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस पंपिंग करके करते रहोगे तो सॉयल सैंड वो निकल आएगा। तो निकलते निकलते क्या होगा, यहाँ पर एक हॉलो वॉइड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, हॉलो वॉइड क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा, इसी को कहते हैं केविटी, ठीक है। ये जो क्रिएट हो जाता है इसी को कहते हैं केविटी, केविटी फॉर्मेशन का। तो केविटी हो जाने से क्या होता है, ये जो वेल का जो भी रिसर्च एरिया है, ये वेल का यहाँ पर रिसर्च एरिया क्या है, बिफोर केविटी फॉर्मेशन वेल का रिसर्च एरिया डायमीटर ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप, वो है वेल का रिसर्च एरिया होगा। लेकिन जब केविटी फॉर्मेशन हो जाता है ना, तब यहाँ पर यह जो रिसर्च एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, रिसर्च एरिया बढ़ जाएगा। जब रिसर्च एरिया बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सीड नहीं करेगा, जितना ज्यादा रेट में वाटर आएगा लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर कुछ टाइम बाद, अगर ऑयल कॉन्स्ट्रक्ट होने के कुछ टाइम एक दिन दो दिन बाद कंटिन्यूस पंपिंग करके बाद तुम अगर पानी निकालोगे ना, तो उसी पानी के क्लियर पानी आता है, ठीक है, क्लियर वाटर आएगा, कोई सैंड सील नहीं आएगा बिकॉज ऑफ केविटी फॉर्मेशन। एक बार केविटी फॉर्म हो जाए उसके बाद क्लियर वाटर आएगा, ठीक है, क्योंकि केविटी जो भी वेल पाइप के साथ जो भी सैंड सील है वो तो पहले निकल गया और पूरा हॉलो बॉयड किट हो जाएगा, और एक बार हॉलो बॉयड किट हो जाएगा उसके बाद ही क्लीन वाटर आएगा, ठीक है। ये मेनली होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के वजह से। पहले तो बिफोर द केविटी फॉर्मेशन सॉयल से जो वाटर वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, और लेकिन आफ्टर द केविटी फॉर्मेशन वाटर का जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, इसलिए सॉयल वाटर के साथ नहीं आते, वो क्लियर वाटर आ जाता है, ठीक है, सैंड फ्री फ्रॉम फाइन मटेरियल की क्रिटिकल वेलोसिटी सरफेस, ठीक है। तो इसको कहते हैं केविटी फॉर्मेशन इन ओपन ऑयल, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने जो भी बताया वो सब यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, एक बार देख लेना बस। ओके सर, ठीक है, ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केविटी फॉर्मेशन इन ऑयल एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, ओपन ऑयल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ओपन ऑयल में पहले कंस्ट्रक्ट का ओपन ऑयल का पहले एक्चुअली डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा डायमीटर होता है। ओपन ऑयल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक मेटल का एक कार्ब मार्केट में अवेलेबल है, कार्ब, ठीक है, ये दो टाइप, ये सर्कुलर टाइप का कार्ब है और सर्कुलर टाइप के साथ ये पारपोरेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो पहले का ये कार्ब खरीदना पड़ेगा पहले, ठीक है, ये सर्कुलर रहेगा और ये जो एज देख रहे हो, काटिंग एज कहते हैं, ये बहुत ही शार्प होता है, ठीक है, नीचे का जो एज है उसे कहते हैं काटिंग एज, ये बहुत ही शार्प है, उसका टेक्निकल टर्म है कार्ब, ठीक है, वो मार्केट में अवेलेबल है, मेटल का होता है ये, ठीक है। तो ये पहले ये खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जिस जगह पे तुम वेल कंस्ट्रक्ट करोगे उसके जितना डायमीटर में वेल कंस्ट्रक्ट उतना डायमीटर में थोड़ा एक दो मीटर खुदाई करोगे, ठीक है। खुदाई करने के बाद ये कार्ब के ऊपर, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये प्रीकास्ट मान लो प्रीकास्ट कॉन्क्रीट रिंग से तुम ये बना रहे हो, वेल बना रहे हो, तब क्या होगा, दो तीन प्रीकास्ट कॉन्क्रीट रिंग यहाँ पे ये जो कार्ब है इसे जनरली टेक्निकल नाम है इसका नाम है कार्बी कहते हैं, ठीक है, ये कार्बी है, सर्कुलर रिंग और आरसीसी टिम्बर और स्टील काटिंग एज एट द बॉटम एंड द फ्लैट वाइड एनफ टू सपोर्ट थिकनेस ऑफ द वेल लाइनिंग इज कॉल्ड स्टेनिंग, ठीक है।
इसे पता है कार्प कहता है, और ऊपर का जो पोर्शन है उसे स्टेनिंग कहते हैं। तो कार्प के ऊपर सर्कुलर सर्कुलर क्या है ये चीजें? कौन सा सर्कुलर? ये तो हम सेक्शन में देख रहे हैं ना, प्लान में देखो। ये जहाँ कौन ये 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 तुम कंक्रीट प्लग में जो ये कंक्रीट प्लग है ना, ये तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर पार्कोरेशन रहता है, ठीक है। इसके थ्रू जो पार्कोरेटेड रहता है उसके थ्रू जो भी सॉइल सॉइल खुदाई करके वॉइड्स है ये है वॉइड्स, ठीक है। वॉइड के थ्रू अच्छा मिट्टी खुदाई करके ऊपर से निकाल देते, ठीक है। और ये साइड में जो है कटिंग एज रहता है, ठीक है, साइड में कटिंग एज रहता है, ठीक है। ये प्लान भी है, ये हम सेक्शन देखेंगे। अच्छा, प्लान से देखोगे तो सर्कुलर ही देखोगे ना, ऊपर से देखोगे जब देखोगे सर्कुलर देखोगे, ठीक है। ऊपर ये जो कार्प कहते हैं, तो कार्प के ऊपर, कार्प तो वो फिकस्ट कार्प है, कार्प के ऊपर जो भी रिंग है, अगर मान लो कोई ब्रिक का कर रहा है तो कार्प के ऊपर एक दो मीटर तक, दो मीटर हाइट तक ये ब्रिक कंस्ट्रक्ट कर लोगे पहले ही बिफोर लोकेशन में जाने से पहले, ठीक है। साइड में जहाँ पर वही कंस्ट्रक्ट करोगे उसी के साइड में ये रखकर कार्प रखकर उसके ऊपर एक दो मीटर तक एक अगर कॉन्क्रीट फिकस्ट कॉन्क्रीट रिंग का होगा तो दो तीन रिंग बैठा दोगे, और ब्रिक का होगा तो ब्रिक कंस्ट्रक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जिस लोकेशन में तुम ऑयल कंस्ट्रक्ट करोगे उस लोकेशन में थोड़ा खुदाई करोगे। हाँ बोलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलो सर, एक सवाल पूछना है सर। एक हमने हाईवे में भी कर्व पड़ा है के ई आर बी, वो अलग सर, रोड के साइड वो अलग है, वो तो बैंडिंग आता है ना, ठीक है। कर्व तो फॉर बैंड के लिए होता ना, वो अलग कर्व, वो इसका स्पेलिंग भी अलग है, देखो ना सी यू आर बी के ई आर बी है ना उसमें है ना, वो कर्व कर्व नहीं बोल रहा हूं, कर्व के ई आर बी, के ई आर बी सर, जो रोड के साइड में लगाते हैं। अच्छा वो स्लोप, अभी सर आपने स्लाइड में भेजा था अपने साइड में, इसीलिए वो वाटर को एफिशिएंटली रिमूव करने के लिए ना सर, भी आपने पहले स्लाइड भेजी थी उसमें भी लिखा था कहीं कर्व इससे डायग्राम से पहले। अच्छा ये वाला कर्व, हाँ ये रहना लिया वेल कर्व जी, ये वाला अलग है, वो हाईवे का वो अलग है, ठीक है। हाईवे को बाउंड्री में देता है ना थोड़ा ये रेजिस्टेंस के लिए, के ई आर बी है ना। यस सर, वो अलग है, ये इसको कटिंग एज का कार्य कहते हैं, या फिर जो एज एक्चुअली ये को कटिंग करेगा ना, मिट्टी को तो खुदाई करना पड़ेगा तभी तो वेल कंस्ट्रक्ट होगा ना, तो मिट्टी खुदाई करने से पहले कटिंग एज अगर नहीं रहेगा तो कैसे खुदाई करेगा नीचे, ठीक है। तो पहले इसी को कार्प कहते हैं, काटिंग इसको कार्प कहते हैं, और जो ओएल का जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसे स्टेनिंग कहते हैं, स्टेनिंग, ठीक है। तो इसी डिपेंड व्हाट इज कार्प व्हाट इज स्टेनिंग, ये थोड़ा ध्यान रखा। इसका कार्प का यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख दिया, ये देखो, ये कार्प इज ए सर्कुलर रिंग और आर सी सी और टिम्बर और स्टील कुछ भी हो सकता है, कटिंग एज एट द बॉटम एंड फ्लैट टॉप वाइड एनफ टू सपोर्ट द थिकनेस ऑफ द ओएल स्कीम। यू आर भी कर रहा है के ई आर भी कर रहा है, दोनों कोई भी दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों में कुछ भी लिख ले, कुछ भी लिख ले, ठीक है। कोई कोई बुक में के ई आर भी लिखते हैं, कोई कोई बुक में सी यू आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कार्प के ऊपर दो तीन एक दो मीटर तक तुम ओएल कंस्ट्रक्ट, ओएल का जो वाल है वो कंस्ट्रक्ट करोगे, अगर टिकास कॉन्क्रीट रिंग होगा तो रिंग बैठा दोगे, और ब्रिक का होगा तो ब्रिक बैठा दोगे, ठीक है। ये बैठा के उसके बाद क्या करोगे, जिस जगह पे ओएल कंस्ट्रक्ट होगा उसी और जिस डायमीटर में कंस्ट्रक्ट होगा उसी डायमीटर में खुदाई करोगे, एक दो मीटर तक मिट्टी खुदाई करोगे। खुदाई करने के बाद ये जो कार्ब और तुम आरसीसी वॉल तुम साइड में कंस्ट्रक्ट कर चुके हो वो थोड़ा उसमें लोअर उसमें ले बैठा देना बस, ठीक है। जो जितना एक दो मीटर तो जितना खुदाई किए कर चुके हो वो उसमें उसके अंदर ये कार्ब बिठा देना, ठीक है, कार्ब बिठा देना। उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, कार्ब बिठाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा लोड लोड प्लेस कर दोगे, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, कॉन्क्रीट प्लाक लिखा रखा है, इसके ऊपर थोड़ा लोड चापन लोड बिठाना है, क्योंकि अगर लोड नहीं देंगे तो काटिंग एज से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लोड बिठा के देना, तो लोड बैठाने के बाद उसके बाद क्या करोगे, ये जो वॉइड है बहुत सारे वॉइड है उसके थ्रू मिट्टी को खुदाई करेंगे। एक मिस्त्री जो हेल्पर है वो ऑयल के अंदर जाएगा और यहाँ पर जितना भी मिट्टी खुदाई हो रहा है वो वॉइड के थ्रू बाकेट के थ्रू वो बाहर निकालेंगे, और जैसे जैसे मिट्टी बाहर निकालेंगे जैसे जैसे ऑयल नीचे डाउन होता जाएगा और
एट द सेम टाइम वेल का जो ये जो हम एक मीटर तक पहले वॉल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद जैसे कंटिन्यू नीचे जाता जाएगा, साथ ही साथ ये वेल का वॉल भी ऊपर से कंस्ट्रक्ट करता जाएगा। एक मिस्त्री एक मेसन ऊपर का वो ऊपर का वॉल कंस्ट्रक्ट करेगा और एक मेसन नीचे जाकर मिट्टी निकालेगी ये से, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वेल का पूरा डेप्थ तक वेल एसिड नहीं जाता है। तो मतलब सर जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे तो स्टेनिंग भी मतलब ये बढ़ता रहेगा ना जैसे जैसे, क्योंकि बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, एक 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 में एक एक हेल्पर क्या करेगा, सरफेस में रहकर वो सिर्फ वॉल का जो स्टेनिंग है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, ऊपर ऊपर कंटिन्यू कंस्ट्रक्ट करेगा और नीचे जो आएगा वो मिट्टी निकालेगा और साथ ही साथ ऑयल डाउन होता जाएगा, ठीक है, ऑयल डाउन होता जाएगा। ओके सर, इसी प्रोसेस में चलता रहेगा जब तक पूरा डेप एसिड नहीं होता, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये ऑयल कैसे? और सर ये क्या, ये जो ऊपर वाईफाई जैसा सिंबल बना हुआ है क्या चीज है ये? वाटर का सिंबल है, ग्राउंड वाटर टेबल का था ना। हाँ सर, ठीक है सर। तो अगर मान लो कोई ये जब तक वाटर टेबल नहीं आएगा तब तक क्या है, तब तक तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन जब वाटर टेबल आ जाएगा ना तब ये करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तब क्या पंपिंग करोगे, हाई रेट में पंपिंग करके वाटर निकाल दोगे और साथ ही साथ तब तीन 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 काम एक साथ में होगा। पहले एक पंप वाटर निकालेगा, एक मेसन नीचे फ्राई करेगा और एक ऊपर में वॉल कंस्ट्रक्ट होगा। ये तीनों काम एक साथ में चलेगा जब वाटर टेबल आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, क्लियर सबको? कोई डाउट किसी का, ऑयल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? इथेन ऑयल, क्लियर सर? ओके, यहाँ पर मैंने जो भी मैंने बात बताया वो सब कुछ यहाँ पर लिख दिया, एक बार देख लेना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फाइनल कंस्ट्रक्ट होने के बाद थोड़ा पैरापेट वॉल देना पड़ेगा। व्हाट इज पैरापेट वॉल, किसी का आइडिया है पैरापेट वॉल क्या है? सर वो तो हाइट पे देते ना, जो छत वत पे पैरापेट वॉल देते ना स्ट्रेंथ के लिए जाके, है ना, छत के ऊपर हाइट में वो रेनफोर्समेंट दे देते उसमें ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर भी वॉल का ऊपर पैरापेट वॉल देना है जिसकी रेजिस्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए होता है ना। हाँ, अगर मान लो सपोर्ट के लिए भी होता है सपोर्ट की, क्योंकि अगर मान लो कोई बाकेट से पानी निकालेंगे रस्सी के जरिए तब क्या करेगा, थोड़ा सपोर्ट रहेगा ना पैरापेट वॉल से। उसके बाद और एक काम है, आसपास का एरिया से पानी आकर ओपन वेल में ना गिरे, थोड़ा प्रिवेंट करेगा ना थोड़ा पोल्यूटेड वाटर को। सर सेफ्टी के लिए भी होता है, सेफ्टी के लिए कोई अगर आकर कुएं में गिर जाएगा, हाँ वो हो सकता है, कोई अगर कुएं में गिर जाएगा, कोई अगर गाँव काउ एनी कोई भी एनिमल आकर मान लो कोई कुछ, एक तरह से बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं ना। हाँ, बाउंड्री वॉल भी कह सकते, तो ये कंस्ट्रक्ट करोगे परफेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हम ऑयल कंस्ट्रक्ट हो गया। आप देखते हैं किस तरीके से कितने टाइप में वाटर हम निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन टाइप है पंपिंग, ठीक है, अभी मोस्टली पंपिंग यूज होता है, लेकिन पंप आने से पहले कैसे कैसे यूज होता है, तो इसके बाद भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक नाम है इसे कहते हैं पार्सियन व्हील कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, ये बालक है, ये दो तीन चार ये जो बालक है उसको एक रोटेटिंग या पर एक रोटेटिंग अरेंजमेंट है, जब ये बालक घूमेगा तो ये जो बाकेट है चेन है वो कंटिन्यू घूमता रहेगा। ये कंटिन्यू बहुत सारे बाकेट है, बाकेट का एक चेन है, तो जब ये बालक घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा तो क्या होगा, ये जो रॉड है ये भी घूमेगा, वन टाइप ऑफ मोटर सिस्टम का, ये भी घूमेगा। जब ये रॉड घूमेगा तब क्या करेगा, ये बाकेट का जो चेन है वो भी घूमेगा। तो कंटिन्यूस ये घूमते घूमते नीचे से पानी कलेक्ट करेगा, ऊपर आएगा, ये जो फील चैनल इसी में डिस्चार्ज करेगा, फिर एम्प्टी हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। सर ऐसे तो पुराने जमाने में तेल वेल निकालते थे शायद, है ना? हाँ, उसी टाइप में। हेलो सर, बैल को लेना। हाँ, बैल को यहाँ पर लगा के उसके बाद ये पानी निकालते हैं। बोलो सर, ये जो रैबिट है सर, इसका प्रयोग तो सिंचाई के लिए करते हैं सर, पानी निकालना है कुएं से तो रस्सी बाल्टी को रस्सी में बांध के भी निकाल सकते हैं। ये बहुत सारी मेथड है ना, ये तो हम यूज हो रहा है, इरिगेशन का तो यूज हो रहा है, ये इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है ना। ये जो बहुत सारी बाकेट तुम देख रहे हो ना, बाकेट ये फिलअप होगा अगर ये जो चैनल है इसी में डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है, पानी निकाल देगा, उसके बाद एम्प्टी हो जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर जो बाकेट है यहाँ पर बाकेट एम्प्टी हो जाएगा, ये फील्ड चैनल है, इसी फील्ड चैनल में डिस्चार्ज करो, बाकेट एम्प्टी होगा, उसका एम्प्टी बाकेट नीचे आएगा, ये चेन नीचे आएगा यहाँ पर आएगा, फिर से वाटर फिलअप होगा, फिर ये तो कंटिन्यूस, ये जो बेल है ये कंटिन्यू घूमता रहेगा। जब ये घूमता रहेगा, ये जो बाकेट का जो बहुत सारी बाकेट है, बाकेट का एक चेन बना हुआ है, तो चेन भी घूमता रहेगा,
फिर नीचे से ऊपर करता रहेगा, फिल अप करेगा, ऊपर आएगा या फिर खाली करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये अगर फिल चैनल में क्या होता है, पानी अगर फिल चैनल में आ जाए तो बाय ग्रेविटी पानी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ऊंचाई में कंस्ट्रक्ट करना है वेल को, जैसे करके पानी बाय ग्रेविटी फिल में चला जाए, ठीक है। ओके सर, तो ये एक टाइप का होता है। अभी तो मैक्सिमम तुम ये तो अभी कोई जगह पे नहीं देखेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा आइडिया होना जरूरी है पहले, क्योंकि कोई भी तुम रिसर्च वर्क करोगे ना, पहले हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में तुम पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, ठीक है, ये करके तुम रिसर्च वर्क कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। तुम बोल सकते हो सर ये तो पुराना जमाना के, ये पढ़ के क्या फायदा, लेकिन फायदा है। तुम अगर कोई रिसर्च वर्क करोगे तो पहले क्या होता था कुछ तुम प्लान करना पड़ता ना पूरा, कुछ अंतर पाएगा, उसी के बाद तुम्हारा दिमाग खुलेगा जाओ और क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। इसीलिए तरीके के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये है और एक भाई, तो दूसरे टाइप क्या है, ठीक है। ये तुम देखोगे इसमें क्या होता है, एक लेदर का एक बैग होता है, लेदर का बैग दो साइड का ओपन होता है और दोनों साइड में दो रस्सी निकालते हैं, एक छोटा साइड का बैग है और एक का डायमीटर ज्यादा होता है, और यहाँ पर दो पुली लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बेल है। तो बेल के साथ यह बेल जब बाहर जाएगा तब तो ये क्या है, ये जो लेदर का बैग वाटर फिलअप हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आकर यहाँ पर फिल्टर में डिस्चार्ज होगा, फिर बेल को पीछे आना पड़ेगा, फिर नीचे से वाटर कलेक्ट करेगा, फिर ऊपर आकर भेजेगा, ठीक है। सर नीचे वाले बैग में से ऊपर वाले बैग में पानी जाएगा कैसे जा रहा है? नहीं नहीं, एक ही बैग है, एक ही बैग है। अरे ऊपर लिफ्ट होगा ना, वो ऊपर आकर डिस्चार्ज करेगा, ये एक ही बैग है। अच्छा नीचे से ऊपर आएगा तो ऊपर की तरफ फुल होगा ना यार? हां नीचे पानी को फिल अप करेगा, फिल अप करके क्या करेगा, बेल आगे जाएगा तो ये लेदर का बैग ऊपर आ जाएगा ना, लिफ्ट होगा ऊपर आएगा, यहां पर इस चैनल में डिस्चार्ज कर देगा तो एम्प्टी हो जाएगा। फिर अगर बेल पीछे आएगा तो क्या होगा, ये बैग नीचे आ जाएगा, नीचे चल जाएगा दोबारा, फिर अगर वाटर कलेक्ट करेगा फिर इधर से आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ऐसे करके काम करते हैं। उसके बाद और एक तरीका है, यहाँ पे क्या, एक मान लो एक बाकेट है और एक यहाँ पर वर्टिकल फोर्स्ट है, ये वर्टिकल फोर्स्ट है और एक यहाँ पर एक इसी के साथ एक मान लो लीवर टाइप का काम होता है इसे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये एक बांस भी हो सकता है, कोई स्टील का कोई रॉड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है, एक हॉरिजॉन्टल पोस्ट है। और पीछे से क्या होता है, पीछे एक बहुत हेवी वेट तुम यहाँ पर अटैच कर देना, जैसे कि तुम यह इसमें देखोगे ना, कोई अगर रेल गेट में देखोगे, ठीक है, रेल गेट में इस तरीके का होता है ना, रेल गेट में जब बंद करता है तब इसे एक इसी टाइप का एक पोस्ट होता है, पीछे एक हैवी वेट काउंटर होता है, ठीक है, उसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एंड में एक रस्सी के साथ एक बाकेट भी तुम यहाँ पे अटैच कर दोगे, ठीक है। तो मैनुअली एक आदमी को यहाँ पे खड़ा होकर क्या करेगा, रस्सी को खींचेगा, खींचे नीचे पानी के अंदर ले जाएगा, बाल्टी ये जो बाकेट है बाल्टी को पानी से फिलअप करेगा, फिर वो छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली बाकेट से पानी ऊपर आ जाएगा ड्यू टू काउंटर वेट, ठीक है। तो लीवर टाइप का पॉइंट होता है, लीवर में जैसे काम होता है, लीवर आर्म टाइप का है ना, मतलब ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, लीवर में है। तो जस्ट क्या करेगा, ये आदमी क्या करेगा, ये रस्सी को खींचे नीचे ले जाएगा, पानी फिलअप होगा और छोड़ देगा, और जैसे छोड़ देगा वो बाल्टी अपने आप ऊपर आ जाएगा, बाकी डालते अपने आप ऊपर आ जाएगा ड्यू टू काउंटर वेट, ऊपर आएगा काउंटर वेट के जरिए, ये जो काउंटर वेट है पीछे का जो वेट है उसी के जरिए बाल्टी ऊपर आ जाएगा, ऊपर आता है वो फिल चैनल में डिस्चार्ज कर देगा, फिर एम्प्टी हो जाएगा, फिर नीचे ये आदमी नीचे बाल्टी को खींच के नीचे पानी फिलअप करेगा और छोड़ देगा और ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? ओके सर, इसका ये जो सारा मेथड का नाम है ना, ये थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, थोड़ा नाम याद रखना, ठीक है, कॉमन नाम है, राहत पर्शियन व्हील कहते हैं, ठीक है, लॉट कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे अजीब टाइप का नाम है सर, डाइक के लिए कैसे कैसे नाम है, अजीब अजीब से, हां डैम किल नाम है, डेडली डैम किल कहते हैं, डेडली तो ये थोड़ा नाम याद है, मौत तो लिखा। उसके बाद देखते हैं पुली टाइप का, तो बहुत सारी जो जनरली रेसिडेंशियल के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो कुआ यूज होता है जनरली ये पुली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है जो पानी निकालेगा वो रस्सी से
रस्सी से पुली को छोड़ देगा तो बाल्टी नीचे आ जाएगा बाकेट, पानी पानी फिलअप होने के बाद वो अपने आप रस्सी से खींचेगा, खींचे करके पानी ऊपर लाएगा, पुली टाइप का होता है। ठीक है, ये अभी भी यूज होता है, ये जो पुली टाइप का है ना ये अभी भी यूज होता है कोई कोई एरिया में। ठीक है, ये पुली है, पुली के ऊपर रस्सी से सर जहाँ गहरा कुआं होता है वहीं पुली यूज होता है, बाकी जहाँ पानी ऊपर होता है वहाँ तो हाथ से खींच लेते हैं। हाँ पानी हाँ वो तो एक्चुअली है, हाथ से तुम कितना खींचोगे ना अपना ओन वेट तो होना चाहिए। तो ये है, तो इसी टाइप के यूज होता है पुली टाइप। उसके बाद यार ये सर्कुलर टाइप के ये भी अरेंजमेंट रहता है, ये सर्कल को जब घुमाओगे तो बाल्टी ऊपर, ये जो बकेट है वही ऊपर आ जाएगा और फिर ये रिवर्स डिरेक्शन में घुमाओगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हैंडल टाइप का होता है, इसी टाइप में भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी मेथड है, एग्जाम में आता है। ठीक है, और तो पंपिंग तो बताने की बात ही नहीं रखता है, अभी तो हर जगह पंपिंग यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के जरिए डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप से डायरेक्टली जहाँ पर तुम ऑर्डर को भेजना चाहते हो डायरेक्ट वहाँ चल जाएगा। ठीक है, और नीचे का जो सक्शन पाइप एक्चुअली वेल के थ्रू नीचे ओपन वेल अगर होगा तो सक्शन पाइप वेल के अंदर ही यहाँ पर भेज दोगे। ठीक है, और डिलीवरी पाइप बाहर रहता है। सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में अंतर तो सबको पता है ना, सक्शन पाइप नीचे से पानी पंप में भेजेगा और डिलीवरी पाइप पंप से आगे जाकर जहाँ पर तुम पानी भेजोगे। सर इसका फंक्शन तो पढ़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। हाँ वो तो हाइड्रोलिक्स में पढ़ चुके हैं। यस सर। यस सर। इसके बारे में थोड़ा क्या काम होता है क्या नहीं होता, टेक्निकल ज्यादा जरूरत नहीं है, इरिगेशन के लिए कितने यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा लिख देना बस एग्जाम में अगर आए तो। अब देखते हैं नया टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग काम सुना होगा, किसने सुना है? बहुत सुना है सर। यस सर, पानी को बचाना, पानी को सुना। तो अभी को अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ एक्चुअली अभी दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत दिन पहले हम सीएम का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसी में सीएम सर ने ये वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहा था। ठीक है, क्योंकि गर्मी में टाइम में दिल्ली में मेनली वाटर का बहुत क्राइसिस होता है। ठीक है, इसीलिए वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तुम किसी भी तरीके से वाटर को कलेक्ट करना है, रेन वाटर को, जो भी रेन जब बारिश होगा उस बारिश के टाइम बारिश का जो वाटर है उसको कलेक्ट करके रखना है। आइधर तुम कोई आर्टिफिशियली पॉन्ड कोई क्रिएट करो, आइधर तुम उसको ग्राउंड वाटर में भेज कर रिसर्च करो, ग्राउंड वाटर रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके का हो सकता है, और क्योंकि अगर ये जो अगर तुम ग्राउंड वाटर में भेजोगे तो ग्राउंड वाटर में रहेगा, अगर तुम आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करके पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करके रहोगे तो तब भी वाटर रहेगा, लेकिन वो सरफेस रनऑफ होगा अगर नदी में चला जाएगा ना तो नदी से डायरेक्ट समुद्र में चला जाएगा वो वाटर, अगर एक बार वाटर समुद्र में चला जाएगा ना तो पूरा नमक हो जाएगा उसमें, तो वो पीने का योग्य नहीं रहता। तो इसीलिए बारिश का जो पानी जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम आइदर ग्राउंड वाटर में स्टोर करो और आधा आर्टिफिशियली कोई पॉन्ड क्रिएट करो, उसी में कोई टैंक पॉन्ड क्रिएट करके उसी में स्टोर करो, ये होता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके ऊपर तो सब लोग ऑलरेडी जाता है, क्योंकि अभी वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हर गवर्नमेंट जोर दे रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस तो बहुत ही सबको पता है, क्योंकि अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर को बचाना है, क्योंकि अगर ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स आया है कि 40-50 साल के बाद पानी के लिए कोई रीतिमत वार करेगा, कोई कोई किसी किसी को तो मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो पानी का क्राइसिस, ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस बहुत ही बढ़ता जा रहा है दिन के दिन। ठीक है, तो इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एसेंशियल थिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग में दो टाइप का वाटर, पहले है सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, एक होता है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और होता है रूफ टॉप। सरफेस रन ऑफ में क्या होता है,
सरफेस के ऊपर से जो वाटर फ्लो होगा उसी को हम स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे? कोई आर्टिफिशियल रिवर, आर्टिफिशियल कोई फॉन्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई लेक कंस्ट्रक्ट करेगा, कोई छोटा छोटा कुआ बना के उसको कंस्ट्रक्ट करके पानी को वहाँ स्टोर करेंगे। सरफेस रनऑफ जितना भी सरफेस रनऑफ है उसी को वहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं सरफेस रनऑफ हार्वेस्टिंग। और एक होता है जो मेनली अर्बन एरिया में होता है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि अर्बन एरिया में तो सारे जगह मकान ही मकान है, उसको रूफ टॉप रूफ घर का रूफ में जो वाटर आता है उसी को कलेक्ट करके स्टोर करना है, उसी को कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो रूफ टॉप रेन वाटर रिजर्वायर अर्बन एरिया के लिए बहुत ही ये है, क्योंकि अर्बन एरिया में ग्राउंड वाटर रिसर्च नहीं होता, क्योंकि अर्बन एरिया में बहुत सारे पक्का सड़क है, जहाँ पे जाओगे कोई कोई कच्चा सड़क नहीं है, सब मैक्सिमम ही पक्का एरिया है। तो पक्का एरिया होने की वजह से क्या होता है, जो रेन वाटर बारिश वाटर रहता है वो क्या होता है रानो भू का चला जाता है, मिट्टी के अंदर नहीं जाता, रानो भू का जाकर नदी में चला जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो रिसर्च एरिया घट जाता है, इसीलिए रूफटॉप में जो भी पानी रेन वाटर आएगा उसी को हम कलेक्ट करके अगर हम ग्राउंड वाटर में रिसर्च कर देंगे तो भी रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। और अगर रूफटॉप में जितने भी वाटर आएगा वो कलेक्ट करके किसी टैंक में, अगर किसी टैंक और बहुत सारे टैंक कंस्ट्रक्ट करके अंडरग्राउंड में अगर स्टोर करके रखेंगे तो भी रूफटॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका बहुत सारी मेथड है, स्टोरेज एंड डायरेक्ट यूज एक पहले मेथड है। स्टोरेज की रूफटॉप रेन वाटर स्टोर करेंगे और उसी को डायरेक्टली हम यूज करेंगे, जो अभी हमारा घर का जो काम है, जो बर्तन धोना, ठीक है, फ्लशिंग के लिए यूज करना, जो भी विदाउट डिंकिंग जो भी काम है, ठीक है, वो भी हम ये रेन वाटर से हम कर सकते हैं। उसे कहते हैं स्टोरेज एंड डायरेक्ट वाटर, रूफ में थोड़ा स्टोर करके रूफ में जितना भी पानी है वो, अभी क्या होता है, अभी जनरली होता है रूफ में जो भी वाटर है वो पाइप के जरिए नीचे हम जो रेन वाटर सुअर है उसी में हम भेज देते हैं। तो इसी को ना भेज कर जो भी रेन में रूफ में जो भी वाटर कलेक्ट होगा वो एक रूफ टॉप एक टैंक बनाएंगे, ठीक है, टैंक बना के उसी को हम स्टोर करके उसी को डायरेक्ट यूज करेंगे, ये एक मेथड है। उसके बाद रिसाइजिंग ग्राउंड वाटर है कोई बार, कि अगर जो मैंने बताया रूफ का रूफ टॉप में जो भी रेनफॉल होता है उसको कलेक्ट करके अंडरग्राउंड में भेज देना, उसी को रिसर्च रिसाइजिंग ऑफ एक्विफर कहते हैं। उसके बाद रिसाइजिंग ऑफ बोरवेल, ये भी एक टाइप के रूफ टॉप का रेन वाटर को कलेक्ट करके बोरवेल के जरिए हम वाटर को अंदर ग्राउंड सर्फेस में ग्राउंड वाटर रिजर्वर में भेज देते हैं, ठीक है, ये एक मेथड है। तो रिसर्च पीट, ठीक है, इसे बहुत सारे ये जो रिसर्च ऑयल है ये है रिसर्च पीट। तो हम क्या करेंगे, अपना अपना जो घर है बोरवेल और ट्यूबवेल में अंतर क्या होता है? ट्यूबवेल में हम पानी नीचे से ऊपर निकलते हैं, बोरवेल से पानी को हम ऊपर से नीचे भेजते हैं, ठीक है, पानी को ग्राउंड वाटर को रिसर्च करते हैं और ट्यूबवेल में पानी ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, ये अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद रिसर्च पीट, इसी टाइप का बहुत सारे रिसर्च पीट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, जो ओपन वेल टाइप का लार्ज डायमीटर का रिसर्च पीट कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमारा उसी रिसर्च पीट से जो रूफ टॉप का जो भी पानी है वो पाइप के थ्रू आकर ये रिसर्च पीट में गिरेगा और जाकर अंडरग्राउंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिसर्च पीट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिसर्च शेप, ठीक है, रिसर्च पीट और रिसर्च शेप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिसर्च शेप में क्या होता है, एक ओपन यहाँ पर एक पारप्रोटेक्ट कवर है, पारप्रोटेक्ट कवर के नीचे एक फिल्टर करके एक फिल्टर बेड लगा देंगे, ठीक है, और ऊपर का जो पानी फिल्टर में आएगा, फिल्टर में आकर एक छोटा जो ट्यूबवेल का जो जैसे पाइप होता है ऐसे पाइप पारप्रोटेक्ट पाइप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे और पारपोरेटर पाइप के जरिए वाटर ऊपर से नीचे फ्लो होगा और जो पारपोरेशन के थ्रू जो भी ओपन होल के थ्रू वाटर जाकर नीचे जाकर एक्वीफर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसी कहते हैं रिसर्च शेप, ठीक है, ये रिसर्च ऑयल में रिसर्च पीट में इससे शेप नहीं रहता, रिसर्च शीट में एक बहुत होल लार्ज डायमीटर का एक होल कंस्ट्रक्ट करके उसी के थ्रू वाटर को भेज के हम एक्वीफर में स्टोर करते हैं। और रिसर्च शेप्ट में एक पारपोरेटेड पाइप देते हैं, ये पारपोरेटेड पाइप के जरिए वाटर को हम एक्वीफर में स्टोर करते हैं। उसके बाद रिसर्चिंग ऑफ डार्क ऑयल, ठीक है, ये बहुत सारी मेथड है, रिसर्च टैंक है, पारपोरेशन टैंक है, बहुत सारी मेथड है। सर, हाँ बोलो सर, मैंने ये देखा है सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो सर उसमें एक सवाल ये है कि सर जैसे जो सरकारी क्वार्टर बनाते हैं ना, बिल्डिंग अपार्टमेंट ये सब, तो सर उसमें जैसे राफ्ट फाउंडेशन बिछाते हैं,
मैंने जो देखा सर उसमें तो राफ्ट फाउंडेशन बिछाते हैं ना, तो उसमें जैसे जो बोरवेल आप बता रहे हैं कि छत से ही पानी की पाइप जाती है, वो पानी नाले में नहीं बहाते, वो सीधा जमीन के अंदर जाता है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। तो सर जो सबसे लास्ट वाला कॉलम जाता है उसी के सपोर्ट के सहारे वो पाइप छत तक दे देते हैं और फिर वहीं से नीचे। तो सर मेरा सवाल ये है जो बोरवेल होगा सर, होगा तो वो फाउंडेशन के नीचे ही? तो सर जैसे फाउंडेशन के नीचे होगा तो कितना नीचे होगा, और अगर उसके लिए पाइप भेजेंगे तो सर जो केज बिछाएंगे फाउंडेशन का तो फिर वो कैसे सेटल करेंगे? नहीं एक्चुअली देखो वो तो अगर रैप फाउंडेशन का भी हो रहा है ना, रैप फाउंडेशन एक कंटीन्यूअस एक इंपरवियस लेयर हो जाता है ना, उसमें स्लैब टाइप के दे देता है ऊपर में, रैप में तो ये होता है ना पूरा का पूरा बिल्ड करेगा। तो हम उसी जगह में ये जो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके साइड में कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है सर? ये जो रिसर्च की साइड में कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है? जो हमारा बोरवेल होता है वो फाउंडेशन के ठीक नीचे से नहीं जाके फाउंडेशन के साइड से निकाला किया जाता है, साइड से जाएगा क्योंकि फाउंडेशन का हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, फाउंडेशन डिस्टर्ब करेंगे तो लोड ट्रांसफर पथ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? अगर रैप हो रहा है तो, अगर आइसोलेटेड हो रहा है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आइसोलेटेड होते तो आइसोलेट के थ्रू हम फाउंडेशन हम बनाते हैं, बिल्डिंग के नीचे सिर्फ फाउंडेशन होता है, बाकी जो पार्किंग एरिया हो गए उन सब एरिया मतलब जहाँ पे वॉकिंग एरिया हो गया वहाँ पे थोड़ा बनाते हैं, वहाँ वॉकिंग एरिया में खाली जगह रहता है उसको देख। अगर तुम अगर कोई प्लानिंग कर रहा है ना तो प्लानिंग जब तुम कोई प्लान करेगा तब पता चलेगा कहाँ पे खाली एरिया है कहाँ पे फाउंडेशन है, तो जिसमें फाउंडेशन है उसको एरिया में अवॉइड करो और जिसमें फाउंडेशन नहीं है उसी एरिया में तुम ये रिसर्च पिट वगैरह कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है? पानी को पाइप के जरिए कलेक्ट करके रिसर्च पिट में भेज दो, बस हो जाएगा। सर मैंने एक बार देखा था ना कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का था तो सर जब फाउंडेशन दे रहे थे ना तो सर शायद उसी समय पहले तो वहां पे बोरवेल के लिए पंप लगा दिया था और फिर सर वहीं से कॉलम जो लास्ट वाला कॉलम था उस बिल्डिंग का उस कॉलम के साइड से पाइप लेके गए थे ऊपर तक और उसको फिर छत के सारे कोने से लिंक कर दिया था। हाँ वो तो करेगा, डक्ट बना देते हैं अलग अलग। हाँ वो तो तुम रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद मेरा बात है ये जो रिसर्च है वो मेरा बात है जॉब पूरा कलेक्ट करके पाइप के जरिए कलेक्ट करके तुम नीचे स्टोर करोगी उसी के बाद तुम ग्राउंड में भेजोगी ना एक्वीफर में भेजोगी तो कैसे भेजोगी पानी को, वही मेन बात है। ऊपर का जो पोर्शन है वो तो करेगा, वो तो कैसे भी करके करो ग्राउंड सर्विस के ऊपर का जो तुम पाइप बहुत जितना भी पाइप लगाओ को भी लगाओ जितना जैसे भी करके तुम रेन वाटर को कलेक्ट करो, उसके बाद कलेक्शन के बाद क्या होगा वाटर को तुम रिसर्च करोगे ना ग्राउंड वाटर में ग्राउंड सर्विस में एक्वीफर में रिसर्च करोगे, तो रिसर्च करने के लिए जो जगह है रिसर्च पिट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रिसर्च पिट रिसर्च शेप जो भी जो अवेलेबल होगा और जो साइट अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कौन सी साइट में, क्योंकि हर साइट में ये पूरा का पूरा मेथड यूज नहीं होता, कुछ कुछ साइड में रिसर्च ट्रेंज यूज होता है, कुछ कुछ साइड में डागवेल यूज होता है, कुछ कुछ साइड में रिसर्च शेप यूज होता है, तो ये जो रिसर्च शेप रिसर्च पिट बनाओगे ना वो फाउंडेशन को छोड़कर बनाओगे, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर तो तुम नहीं बना सकते ना अगर ज्यादातर अगर रैप फाउंडेशन होगा तो, क्योंकि रैप में तो जगह नहीं मिलता, तो रैप को छोड़कर बाकी जो खाली जगह एरिया खाली एरिया है उसी एरिया में तुम कंस्ट्रक्ट करो ना और कंस्ट्रक्ट करके पानी को कलेक्ट करके उसी 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 रिसर्च पिट में भेज दो, बस हो जाएगा। ओके सर, तो इसीलिए ये डिपेंड करेगा तुम जब किसी बिल्डिंग को प्लानिंग कर रहे हैं ना कितना जगह अवेलेबल कितना खाली एरिया अवेलेबल है उसी के ऊपर डिपेंड करके तुम प्लानिंग करोगे, ये तुम हार्ड एंड रूल नहीं है जो इसी पे कंस्ट्रक्ट करना है इसी जगह पे कंस्ट्रक्ट करना है ऐसा कोई रूल नहीं है, जहाँ पे तुम अवेलेबल होगा और जैसे भी तुम अरेंजमेंट करोगे ये फील्ड इंजीनियर का काम है मेनली, ठीक है? तुम साइट को देख कर डिसाइड करो कहाँ पे रिसर्च पिट होगा कहाँ पे तुम जब प्लानिंग करोगे ना, ये तो इसीलिए प्लानिंग का इतना ज्यादा वैल्यू है, ठीक है? प्लानिंग का वैल्यू कह देते हैं जब तुम प्लान करोगे तो वेर भी एवरीथिंग शुड कम अंडर योर प्लानिंग, ठीक है? सब कुछ तुम्हारे प्लानिंग के अंदर आना चाहिए जैसे करके कोई एक इलेमेंट दूसरे इलेमेंट को हेम्पर ना करे, फाउंडेशन को वाटर हार्वेस्टिंग फाउंडेशन का इफेक्ट ना करे, फाउंडेशन वाटर हार्वेस्टिंग का इफेक्ट ना करे, ठीक है? लोड ट्रांसफर को कॉलम को इफेक्ट ना करे, ठीक है? तो ये सब कुछ देख कर उसके बाद ही तुम प्लानिंग करके परफेक्ट प्लानिंग करके लोकेशन को सिलेक्ट करना है, क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर, ये है रूफ का रेन वाटर है। तो आप देखते हैं ट्यूब ऑयल के बारे में थोड़ा देखेंगे।
ट्यूबवेल का जनरल ट्यूबवेल तो सबने देखा होगा, ट्यूबवेल का डायमीटर जनरली कम छोटा होता है, डायमीटर कम होता है और लेंथ ज्यादा, डेप्थ भी ज्यादा होता है, लेंथ पाया जाता है ज्यादा होता है। तो ट्यूबवेल जनरली बोर होता है और ड्रिल्ड होता है, ठीक है। तो वो ट्यूबवेल बहुत सारी वाटर बियरिंग स्ट्रेटा को इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ ज्यादा है और इसीलिए ये ट्यूबवेल बहुत सारी वाटर स्ट्रेटिंग को टैप कर सकते, इसलिए इसका यील्ड भी ज्यादा होता है, ठीक है। जनरली अगर हम कंपेयर करेंगे तो अगर आज के लिए इतना ही रहने दो, ट्यूबवेल अगले क्लास में पढ़ा देना। हाँ क्या बोल रहे हो? आज वैसे भी सर हमारी तीन क्लास है, आज सर आज के लिए इतना ही रहने दो, ट्यूबवेल अगली क्लास में पढ़ा देना। ऐ तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होगा ना ये, तुम अभी तो 40% सिलेबस बाकी है, मेन सिलेबस पूरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बाकी। वही ना, अभी एक महीना बाकी रहेगा और नेक्स्ट वीक तो तुम्हारा छुट्टी है, दो दिन है, फ्राइडे को भी छुट्टी है और मंडे को भी छुट्टी है, तो दो क्लास तो ऐसे ही चला गया नेक्स्ट वीक में। तो फिर फ्राइडे को छुट्टी है, फ्राइडे भी तो गुड फ्राइडे है ना, फ्राइडे गुड फ्राइडे, सेकंड डे के लिए छुट्टी है, गर्मी ले लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा इसके ज्यादा यहाँ पर ज्यादा समझने की तो बात नहीं है, जस्ट कैसे होता है ये तो बात है और कुछ नहीं, थोड़ा देख लो, ये स्लाइड कर देता है तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, इसीलिए थोड़ा ये खत्म कर देना, ज्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। ये तो थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, ये तो कुछ समझने वाली ज्यादा बात है, ठीक है सर। अब न्यूमेरिकल नहीं करा दो किसी में, न्यूमेरिकल नहीं है किसी में, न्यूमेरिकल नहीं है तो क्या करेंगे, अभी जाते हैं सर थ्योरी में। अरे जस्ट देखना है कैसे कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, कैसे कॉन्स्टेंट होता है, तो ये ट्यूबवेल, ठीक है, इसी टाइप में होता है, ठीक है। ये ट्यूबवेल देखने में इसी टाइप में आता है, ये तो ट्यूबवेल का कंपोनेंट वगैरह है, ऊपर का हैंड पाइप लगा, हैंड पंप भी होता है और मशीन ड्राइव जो पंप है वो भी होता है, ठीक है। हैंड पाइप के जरिए देखो तो हैंड पंप भी है और नीचे बहुत सारे ये जो पारपोरेटेड पाइप है, इसके साइड में गार्बेल रहता है जनरली फिल्टर के लिए, फिल्टर पर्पज, उसके बाद ऑयल स्किन रहता है, पंपिंग रॉड, राइजर मेन, वाटर टेबल रहता है, वाटर टेबल जहाँ पे वाटर आकर स्टोर होगा, नीचे एक्वीफर बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाएगा। तो ये कंपोनेंट क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखेंगे तो इसी टाइप का ट्यूबवेल देखने में आता है, ठीक है। ट्यूबवेल का जनरली तीन टाइप का ट्यूबवेल होता है, स्टेनर टाइप, कैविटी टाइप और स्लॉटेड टाइप, ठीक है। स्टेनर टाइप में क्या होता है, जनरली ये मैक्सिमम यूज होता है, मैक्सिमम स्टेनर टाइप ही होता है, एक पारपोर्टेड पाइप रहता है, उसके पारपोर्टेड पाइप के सराउंडिंग में अराउंड द पारपोर्टेड पाइप एक वायर मेश और स्टेनर कहते हैं, उसे वायर मेश, जिसे लोकल लैंग्वेज में जाली कहते हैं, ठीक है, जाली वहाँ पर अराउंड करके एक दे देते हैं, ठीक है, जैसे करके वो आसपास का जो भी सॉयल है उसी को प्रिवेंट करें ऑयल के अंदर आने से, ट्यूबवेल के अंदर आने से प्रिवेंट करें, तो इसीलिए इसे स्टेनर टाइप ट्यूबवेल कहते हैं, ठीक है। स्टेनर टाइप में क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत सारी लेयर को इंटरसेप्ट करेगा, बहुत सारे लेयर को इंटरसेप्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लेयर है, इंपरवियस लेयर, पारवियस लेयर, इंपरवियस लेयर, पारवियस लेयर। तो जहाँ पे हम स्टेनर बैठा रहे हो पाइप के, उस स्टेनर ये ध्यान में रखना होगा, वो स्टेनर जो पारपोरेशन है वो एक्वीफर के अंदर होना चाहिए, पारवियस स्ट्रेटा के इंटरसेप्ट करना चाहिए, और इंपरवियस जो है वहाँ पर ब्लाइंड पाइप रहना चाहिए, ब्लाइंड पाइप मतलब वहाँ पर कोई पारपोरेशन नहीं है, तो ब्लाइंड पाइप इंपरवियस के साइड में होना चाहिए, इंपरवियस के साथ, और जो स्टेनर है जो कि पारपोरेशन है वो एक्वीफर के इंटरसेप्ट करे, ठीक है, एक्वीफर के साथ आए, ठीक है। ऐसा होगा तो ये जो स्टेनर है, स्टेनर का इंपरवियस में रुक गया और जो ब्लाइंड पाइप है वो एक्वीफर में जो पारवियस लेयर में रुक गया तो पानी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो भी ये मेन बात है स्टेनर टाइप की, वो स्टेनर जब ये बैठा हो गया तब ये ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे तुम स्टेनर बैठा रहे हो, पारपोरेटर बैठा रहे हो, वो ये इंश्योर करना है वो स्टेनर और पारपोरेशन पारवियस लेयर के साथ होना चाहिए, पारवियस लेयर के पास होना चाहिए, और जो इंपरवियस लेयर जो ब्लाइंड पाइप है वो इंपरवियस लेयर के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये जो ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये एक चैलेंजिंग बात है,
तो इसी स्टेनर है, वाटर टेबल है, ठीक है, फ्लैग है, इसी करके स्टेनाटा टेबल बैठाते हैं, ठीक है, समझ में आया? कुछ तो बोलो। यस सर कुछ कुछ समझ आया। कुछ सब कुछ की समझ आया। यस ठीक है, जस्ट कुछ नहीं है, स्टेनर पार्कोडेड पाइप है, इसी टाइप ये 3D पिक्चर में ऐसे टाइप कर देते हैं पार्कोड, ये अराउंड द पाइप, ये पार्कोडेशन पाइप है, पार्कोडेशन पाइप के आसपास में तुम स्टेनर बैठा दोगे, स्टेनर नथिंग बट ए वायर मेश, ठीक है, जैसे जाली कहते हैं वो बैठा दोगे, और स्टेनर को ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत सारे इंपरवियस लेयर पार्वियस लेयर इंपरवियस लेयर रहते हैं ना ग्राउंड सर्विस के नीचे, तो पार्वियस लेयर के साथ स्टेनर पार्वियस के लेयर के साथ ही होना चाहिए, और जो इंपरवियस लेयर है उसी के साथ ब्लाइंड पाइप होना चाहिए जहाँ को पार्कोडेशन नहीं है, ठीक है, ये तो पानी लेने के लिए नहीं, ये तो पानी लेने के लिए, आसपास का जो सैंड वगैरह है ना वो अगर जाली नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो पाइप के अंदर आ जाएगा ना, पाइप के अंदर आने से रुकेगा ये जाली, सैंड वगैरह पाइप के अंदर ना, इसलिए यार, इसीलिए प्रोटेक्ट करने का, वन टाइम फिल्टर पाइप के अंदर क्या है, अगर पाइप तो अगर होल नहीं हुआ तो पानी अंदर कैसे आएगा, ट्यूबवेल का नीचे का ब्लॉक रहता है, नीचे से पानी नहीं आता, ट्यूबवेल में पानी आता है साइड से, ओपन वेल में दो अलग है, ओपन वेल में नीचे से पानी आता है और ट्यूबवेल में साइड से पानी आता है, ठीक है, नीचे ट्यूबवेल का नीचे का जो पोर्शन है वो ब्लॉक रहता है, पाइप का जो डायमीटर छोटा रहता है, नीचे बंद है, नीचे से मतलब ना ये बिल प्लग, हां नीचे प्लग कर देता है, पूरा ब्लॉक कर देता है नीचे, इसीलिए साइड में ये जहां पर पार्वियस लेयर इंटरसेप्ट करेगा वहां पे बहुत सारी पार्कोरेशन पड़ता है पाइप के अंदर, पाइप के ऊपर होल क्रिएट कर देता है, तो इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेनर देते हैं उसके, हाँ उसको सील को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेनर देते हैं, और सर हमें तो पता नहीं है कि सर हमें तो पता नहीं वो ग्राउंड, सर हमें पता नहीं है ग्राउंड के नीचे कौन सा लेयर कितना लेंथ पे है, इसीलिए इसीलिए तो इसीलिए पहले हां इसीलिए पहले प्लेन पाइप थोड़ी दूर पे क्वेश्चन है, हमें तो पता नहीं है, हां वो तो इसीलिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक बोल लॉक बनाना पड़ेगा ऑयल कांस्टर करने से पहले, उसमें बोल लॉक बनाने के तो वो जो भी फील्ड टेस्ट है, जैसे हम एनपीटी टेस्ट करते हैं, एसपीटी टेस्ट करते हैं एन वैल्यू के लिए, ठीक है, ऐसे करके बोल लॉक प्रिपेयर करना पड़ता है, बोल लॉक प्रिपेयर का हर एक मीटर में कौन सी लेयर है कैसा है बोल लॉक कैसे भी देखने में, मैं देखा था बोल लॉक किसी टाइप का देखने में, ठीक है, इसी टाइप में बोल लॉक बनाना था, ये इसी को बोल लॉक कहते हैं, हर एक डेप्थ में कौन सी टाइप का सॉयल है, ठीक है, थिकनेस क्या है, इंपरवियस है पार्वियस है, पूरा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके, उसके बाद ही तुम वेल कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है, और इसी को कहते हैं बोल लॉग, इसमें स्ट्रेंथ का पैरामीटर रहता है, एन वैल्यू रहता है, एसपीटी वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड पेंटेशन जनरली गांव में तो ऐसे बना देते हैं, मैंने देखा, हां सर ये सॉइल क्लासिफिकेशन वही ना जो सॉइल में पढ़ते थे, मीडियम सिल्ट क्ले है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन पूरा सब कुछ बोल लॉक में आता है, लोकल एरिया, तो ये सर पहले एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करते हो तब करते हैं, परफॉर्म करके ये लोकल एरिया में तो वैसे ही बना ले जाता है, ये लोकल एरिया का तो बात नहीं कर रहा हूं, ये तुम एक इंजीनियर हो, तुम तो नेशनल लेवल में बात करना चाहिए, बिना डाटा कलेक्ट किए हम कैसे कर सकते हैं, वही बात है ना, तो लोकल का जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है उसी से डाटा कलेक्ट करो ना, अगर मान लो कोई पीडब्ल्यूडी में आ रहा है पीडब्ल्यूडी के साथ डाटा कलेक्ट करो, कोई इरिगेशन के इरिगेशन डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करो, उसी के पास रहता है वो लोग, टाइम है बहुत टाइम इंटरवल में वो एक्सपेरिमेंट से करता रहता है, ठीक है, म्यूनिसिपल से तुम डाटा कलेक्ट कर पाओगे, म्यूनिसिपल के अंदर म्यूनिसिपलिटी के अंदर रहता है जो कौन सी एरिया में कौन सी सॉइल कितना लेयर में होता है, ओके सर, यस ठीक है, ये करके स्टेनर टाइप ट्यूबवेल, तो ये है स्टेनर टाइप, उसके बाद कैविटी टाइप वो सेम टाइप है ओपन वेल के टाइप में, वो कैविटी टाइप में साइड से कोई आता नहीं है, देख नीचे से पानी आता है,
सर वही है ना जो भी आपने बताया था, सिल्ट और सैंड को साइड करके जो प्योर वाटर आता है वही जो पहले बताया था। तो ये ओपन वेल का जो भी होता है वो कैविटी टाइप ट्यूब वेल में सेम ही होता है। ये हो गया कैविटी टाइप, हो गया उसके बाद है स्लॉटेड टाइप। स्लॉटेड टाइप में क्या होता है, स्लॉटेड टाइप में थोड़ा स्टेनर टाइप में हम स्टेनर बिठाते हैं, और स्लॉटेड टाइप में आसपास का जो स्टेनर के बदले हम या बहुत सारी गावेल देते हैं यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए। जैसे फिल्टरिंग के लिए गावेल होता है सॉइल को, सॉइल को रेजिस्ट करने के लिए, सॉइल को अंदर आने से रोकने के लिए बहुत सारी गावेल हम दे देते हैं बिसाइड इन द साइड ऑफ द पाइप। जो मेन ऑयल पाइप है उसी के साइड में बहुत सारी गावेल दे देते हैं, ठीक है, उसी को स्लॉटेड टाइप। और पाइप के नीचे का, नीचे का जो पोर्शन है बहुत सारे हम होल क्रिएट करते हैं उसी को स्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो स्लॉट है और सर उसका आसपास में हम बहुत सारे गावेल दे देते हैं जिसे को फिल्टर करने के लिए, उसके बाद हम पानी कलेक्ट करते हैं पाइप के थ्रू, हम पानी कलेक्ट करते हैं इसी को कहते हैं स्लॉटेड टाइप ट्यूब, ठीक है। जस्ट स्टेनर के बदले हम गावेल दे देते हैं। मतलब सर पहले वो जाली लगा रहे थे उसके अलावा सब बोला। हाँ सर, कैसिंग क्या चीज है? कैसिंग तुम अगर कोई होल क्रिएट करोगे ना, क्योंकि ट्यूबवेल तो बहुत डेप्थ में आता है ना, अगर ज्यादा होल क्रिएट करोगे तो अगर कैसिंग मतलब वन टाइप ऑफ सपोर्टिंग दे रहा है होल को, अगर होल जो बोर होल करोगी वो ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करने के टाइम जो तुम होल क्रिएट करोगे वो अगर सपोर्ट नहीं दोगे ना तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, जैसे एक तरह से जैसे हम कोफर डैम लगाते हैं उस तरह से हम लोग कुछ प्रोटेक्ट में दिया ना ताकि वहां पर मिट्टी ना आ जाए ना। ये जब ट्यूबवेल का जो ऑयल पाइप है, ऑयल पाइप इंसर्ट करने के बाद वो कैसिंग पाइप तुम निकाल सकते हो ऊपर से एकदम से पकड़ के निकालना। और ये जो गैवेल हम देते हैं उसी को कहते हैं सुरिंग कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है सुरिंग। जो सुरिंग, सुरिंग ये जो SHORUDING, सराउंडिंग, ठीक है, सुरिंग कहते हैं। तो सुरिंग ये इंपॉर्टेंट टाइम है। ये जो गैवेल हम देते हैं पाइप के आसपास में, पाइप के आसपास में टू रेजिस्ट द सॉइल फ्रॉम एंटर द ऑयल, दैट इज कॉल्ड सुरिंग। ये ऑयल शूटिंग है। शूटिंग कैसे देते हैं वो सेम टाइप जैसे मैंने बताया, वो सेंटर कितना डायमेंशन होता है, डायमीटर होता है शूटिंग में, ठीक है। उसके बाद डिपेंड स्क्रीन जो स्टेनर है, तो बहुत सारे टाइप के स्टेनर है, स्लॉटेड पाइप स्क्रीन है, स्टेनर टाइप स्क्रीन है। ये जस्ट एक बार देख लेना, जस्ट ऐसे रिवाइज करना, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, स्टेनर का नाम और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। ये ट्यूबवेल कैसे कंस्ट्रक्ट, ट्यूबवेल तीन तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, एक डायमंड ट्यूबवेल, जेटेड ट्यूबवेल और ड्रिल ट्यूबवेल। तो ड्रिल जनरली हम ज्यादातर यूज करते हैं। डायमंड मतलब है पाइल ड्राइविंग, देखा है कभी पाइल ड्राइविंग कहते हैं? पाइल, यस सर, ऑगर बोरिंग से करते हैं सर। अगर पाइल ड्राइविंग पाइल कहते हैं, अगर बोरिंग से करते हैं तो वो तो ये होता है ड्रिलिंग हो गया, वन टाइप ऑफ ड्राइविंग। ड्राइविंग का मैं बात कर रहा हूँ। ड्राइविंग में कहता हैवी वेट के ऊपर से, हैवी वेट से वो हैमरिंग करता है, जैसे कि एसपीटी वाली, एसपीटी, यस सर देखा है सर, ये भी एसपीटी ऊपर से बहुत सारे वेट को ऊपर पाइल के ऊपर से हैमरिंग करता रहता है, ठीक है। बहुत 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 लंबा लंबा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, उसी से बहुत बहुत बड़ा एक वेट को पाइल के ऊपर से हैमरिंग करके नीचे अंदर भेज देता है, उसे ड्राइविंग पाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का ड्राइविंग ट्यूबवेल भी होता है। ट्यूबवेल का पाइप तो जो भी है उसी से, उसी को क्या होता है बहुत ज़्यादा वेट का है हैमर से ऊपर से हैमरिंग करके नीचे ग्राउंड सर्विस के नीचे भेज देते हैं, तो इसे कहते हैं डायमंड। ड्राइवर में सर हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग करते हैं, ठीक है। रिवेट की तरह फाइल ड्राइविंग जैसे होता है ना, उसी टाइप का है, ऊपर से पाइप को हैमरिंग करके नीचे भेजना है, सिंपल। तुम नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो किसी मान लो कोई किसी को रिवेट में भी ऐसे करते हैं ना, रिवेट जॉइंट जो देते हैं सिलेंड्रिकल वेसल, नहीं रिवेट में है, रिवेट में तो दोनों एंड से प्लग कर देता है, वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, कि तुम सरफेस के नीचे तुम भेज रहे हो किसी को, तो ऊपर से कोई हैमरिंग करके भेजना पड़ेगा ना, ऊपर से प्रेशर दोगे तो अभी तो नीचे जाएगा। ये मान लो ये नीचे एक ये ऑयल पॉइंट है, इसी पाइप को तुम ऊपर से हैमरिंग करोगे तो नीचे चला जाएगा, जो बोरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बोरिंग जो आगर बोरिंग तुम बोल रहे ना, वो आगर बोरिंग, आगर बोरिंग में क्या होता है, होल को पहले तुम होल को क्रिएट करो, उसके बाद पाइप को इंसर्ट करो, तब उसको ऑयल कंस्ट्रक्ट करते हैं। और एक है इसमें होल, तो होल करने के लिए होता है ना, अगर बोरिंग ये होल करने की जरूरत नहीं होता, ये डायरेक्टली तुम
ये हैमरिंग करके नीचे भेज दो पाइप पे बस, ठीक है, इसे ड्राइविंग करके। और टाइप है जो बोरिंग, ठीक है, बोरिंग टाइप में होता है ड्रिलिंग, ड्रिल जो होता है वो जनरली बोरिंग टाइप में आता है, ठीक है, पहले आप होल क्रिएट करो उसके बाद इसी टाइप में होता है, ये मशीन टाइप का होता है, इसमें ड्रिलिंग रहता है, हाई प्रेशर में वाटर भी भेजते हैं, वाटर जेटिंग भी कहते हैं कभी कभी, वॉश बोरिंग ही कहते हैं, वॉश बोरिंग नाम सुना है, सॉइल में पड़ा रहता है वॉश बोरिंग, ठीक है, वॉश बोरिंग ही कहते हैं कभी, वॉश बोरिंग करके वो ये जो जो भी पाइप है ऑयल पाइप है उसको नीचे भेजते हैं। क्लियर, दो टाइप के, यस सर, ठीक है, तो एक बार देख लेना बस हो जाएगा। ये और एक बार तो रोटरी ड्रिलिंग, ठीक है, ये रोटेट करके जो भी होल क्रिएट करने के टाइम में हाई प्रेशर में वाटर हम सप्लाई करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे हाई प्रेशर में, अगर वाटर सप्लाई करेंगे तो जो होल का अंदर जो मिट्टी है वो थोड़ा लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा वो मिट्टी और पानी में थोड़ा कीचड़ बन जाएगा, वो कीचड़ को हम पाम करके होल से बाहर निकलते हैं, ठीक है जी, ठीक है, बाहर निकल के इसी करके हम कंटिन्यू करके होल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसे हाइड्रोलिक रोटरी वॉश बोरिंग की कभी कभी वॉश बोरिंग कहते हैं। तो बहुत सारी मेथड है, 7-8 टाइप के बहुत सारी मेथड है, मॉडिफाई कर करके है, एक बार देख लेना बस, ठीक है। उसके बाद ये बोरिंग ड्यूरिंग, जब तुम बोरिंग करोगे ना, बोरिंग करने का टाइम ये ऑयल लॉग प्रिपेयर करना होता है, कि जितना डेप्थ में 1 मीटर डेप्थ में बोरिंग कर रहे हो तो उसे सॉइल काल करके सॉइल का क्लासिफिकेशन करो, सॉइल टाइप क्लासिफिकेशन, सॉइल टाइप क्या है, सॉइल देखने में कैसा आता है, सॉइल पर्विया से इंपर्विया से, वो सब ड्यूरिंग का बोरिंग जब करोगे ना तब पता चल जाएगा, तो अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब तुम बोरिंग करोगे तब ये सारा का सारा जो भी पैरामीटर है वो पता चल जाएगा, है कि नहीं। ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बोरिंग के टाइम, डिफरेंट डेप्थ में, क्या चीज सर, ये जो वेल हम जब बोरिंग कर रहे हैं ना, तब कौन सी जगह स्टेनर होगा, कौन सी जगह ब्लाइंड पाइप होगा, तब पता चल जाएगा कितनी डेप्थ में तुम्हारा स्टेनर होगा, कितनी डेप्थ में तुम्हारा ब्लाइंड पाइप होगा, तब पता चल जाएगा ना। इसी टाइप में जो ऑयल प्रिपेयर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, हर एक मीटर में तुम सॉइल का क्लासिफिकेशन करोगी, सॉइल का पर्वियस है इंपर्वियस है वो क्लासिफिकेशन करोगी, टाइप क्लासिफिकेशन करोगी, एन वैल्यू क्लासिफिकेशन करोगी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन करके तुम ड्यूरिंग द जब बोरिंग के टाइम में तुम ये क्लासिफिकेशन करोगी, जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तब तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो कौन सी जगह पे तुम्हारा स्टेनर होगा, कौन सी जगह ब्लाइंड टाइप होगा। अगर तुम बोरिंग के टाइम नहीं करोगे तो म्यूनिसिपल से डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज बोर लॉग, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज बोर लॉग, अरे ये सैंपल, ठीक है, पैरामीटर क्या क्या यूज होता है वो टेबल का, ये जो पैरामीटर है टेबल को वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो पैरामीटर है डेप्थ सॉइल डिस्क्रिप्शन, थिकनेस ऑफ लेयर, क्लासिफिकेशन, सैंपल, एज वैल्यू, एन वैल्यू, कौन सी पैरामीटर बोर लॉग में आता है उसका एक टेबल प्रिपेयर करके देना होगा, ठीक है, सैंपल। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज वेल लॉग और बोल लॉग, बोल लॉग और वेल लॉग सेम ही जिनिस, सेम, वेल लॉग हो गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में क्या है, एक बार तुम्हारा बोरिंग हो गया, बोरिंग के बाद तुम एक बार पाइप को अंदर इंसर्ट करोगी, इंसर्ट करने के बाद पहले स्ट्रेनर को बैठाओगी, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, फाइन स्ट्रेनर को बैठाओगे, उसके बाद पूरा का पूरा तुम जितना भी कंपोनेंट है ट्यूबवेल का, एक एक क्योंकि अगर 100 मीटर का कोई पाइप होगा तो एक सिंगल पाइप तो नहीं होगा, बहुत सारे छोटा छोटा पाइप होगा, तो छोटा छोटा पाइप को तुम क्या करोगे, आपस में स्क्रू करके तुम स्क्रू और वेल्डेड करके कनेक्ट करोगी, ठीक है, तो जैसे भी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में होता है उसी टाइप में इंस्टॉल करोगी, ठीक है। उसके बाद जो स्पेस रह गया एनुलर स्पेस में तुम ग्रावेल शूरिंग करोगी, ठीक है, ये शूरिंग का बहुत जरूरी है, अगर कभी कभी क्या होता है स्टेनर भी यूज करता है शूरिंग भी, दोनों सेफ्टी के लिए, ज्यादा सेफ्टी के लिए स्टेनर शूरिंग दोनों ही करता है, ठीक है। तो ये करके तुम ऑयल को असेंबल करोगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Okay.
जस्ट कुछ नहीं, एक बार देख लेना बस हो जाएगा। जस्ट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मेथड जो तुम लोग फील्ड में जाकर करने वाला हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मेन काम कंस्ट्रक्शन में आता है। तो अगर कोई फील्ड में अगर जॉब करने जाएगा ना, कोई कंपनी में जाएगा, तो ये सब करना पड़ेगा। तो ऑयल के लिए अगर नहीं करना पड़ेगा तो तुम्हें पाइल के लिए करना पड़ेगा, कि कोई ज्यादातर स्ट्रक्चर में पाइल फाउंडेशन होता है, तो पाइल के लिए ये सब करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कौन सी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ज्यादातर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, कौन सी इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप आते हैं ऑयल बोरिंग हो गया, ऑयल कंस्ट्रक्शन हो गया, आप आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑयल, ठीक है। ऑयल डेवलपमेंट मतलब, क्योंकि जब तुम ऑयल कंस्ट्रक्ट करोगे तब अगर तब ऑयल से पानी निकालोगे तो बहुत ही की सैंडी वाटर आएगा, ठीक है, बहुत सैंड सील आ जाएगा, ठीक है। जब तक तुम ऑयल को स्टेबल नहीं करोगे तब तक वो पानी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑयल का जो स्टेबिलाईजेशन है, क्लियर, जब तक क्लियर पानी नहीं आएगा तो इसीलिए तब तक तुम पानी को यूज नहीं कर पाओगे। एक बार ऑयल स्टेब्लिश हो जाए उसके बाद तुम क्लियर पानी आएगा, वो पानी को तुम यूज कर सकते हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद क्लियर पानी आने तक जो भी तुम मेथड अप्लाई करके ऑयल को स्टेबल करोगे उसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑयल, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑयल पहले बात है पंपिंग करो, पहली मेथड है, एक मेथड है पंपिंग करो, क्योंकि अगर तुम ऑयल कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर पंपिंग ज्यादा पंपिंग करोगे ना, तो ऑयल की ऑयल भी अंदर जो भी सैंड सील जो भी इम्प्योरिटीज है वो पंपिंग करके निकाल दोगी, तो ज्यादा कुछ टाइम पंपिंग करने के बाद वो क्लियर वाटर आने लगेगा। जब तुम क्लियर वाटर आएगा तब ये पता चलेगा जो पूरा का पूरा ऑयल डेवलप हो गया, स्टेबल हो गया। ये सिंपल मेथड है, ज्यादातर ये यूज होता है पंपिंग करके, ठीक है। उसके बाद और भी मेथड है, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करके भी हो सकता है, सार्जिंग करके भी हो सकता है, हाइड्रोलिक डिस्पर्सिंग या कुछ केमिकल देकर भी हम ऑयल ऑयल को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल डेवलपमेंट है, ये सारा मेथड है, एक बार देख लेना, मैंने लिख दिया जस्ट अब कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ऑयल का पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे।